फ्रेंड्स नमस्कार। हैज और हैव के यूजर्स में जो पढ़ने वाले विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो आपका मैट्रिकुलेशन में हो, कॉलेज हो, एकेडमिक कर रहा हो या कंप्यूटर एग्जाम्स की, कि हैज और हैव बहुत सारे यूजर्स होते हैं, वो बार बार सामने आते हैं। हैज और हैव को कहाँ सही तरीके से यूज करना है, चलिए आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। दरअसल हैज जो है वो आप अच्छे से जानते हो कि व्हाट इज हैज। हैज जो है ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ इसका हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ ये पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है हैव का प्रयोग आई वी यू दे और प्लुरल के साथ किया जाता है, हैज का ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पोजेशन दिखाने के लिए पहला प्रयोग होता है अपना अधिकार, जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास तस्वीर है, ठीक है, मेरे पास गुलदस्ते हैं, मेरे पास बहुत सारे मौके हैं, तो इस तरह के जो पोजेशंस दिखाना होता है उसके लिए हम आई हैव का प्रयोग करते हैं। आई हैव सो मैनी आइडियाज, आई हैव सो मैनी मूवीज, आई हैव सो मैनी सॉन्ग्स इन माई मोबाइल, तो इस तरह का प्रयोग हम काय के लिए करते हैं, हैज और हैव के लिए करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका यूज एक्शन। I have a breakfast at 8 o'clock. He has a meeting at every Monday. अरे उसकी मीटिंग होती है, वह हम 8 बजे नाश्ता करते हैं। इनके लिए एक्शंस का प्रयोग करते हैं हम, और ख़ासतौर से जैसे आप बोलते हो कि have a breakfast, मतलब ये आप ब्रेकफास्ट ले लीजिए, क्योंकि give या eat का प्रयोग या take का प्रयोग हम कम करते हैं। एक अच्छा जेंटलमैन शो करने के लिए आपको एक अच्छा अंग्रेज, द इंग्लिश, आपको एक बात मालूम होगी कि अंग्रेजी के सबसे द लास्ट इंग्लिश डाइड एक टाइम्स मैगजीन ने छापी थी एक खबर कि नीरद सी चौधरी, मतलब इंग्लिश बोली नहीं जाती, इंग्लिश जी भी जाती है। तो अगर आप कि आखिरी अंग्रेज ख़त्म हो गए, नीरद सी चौधरी बड़े अच्छे राइटर थे और उनके बारे में ये कहा गया था कि वो आखिरी अंग्रेज हैं, हिंदुस्तानी आखिरी अंग्रेज, मतलब वो अंग्रेज अंग्रेजियत में जीते थे, अंग्रेजों की वो सारी चीज़ें थी उनके अंदर। हैज और हैव का प्रयोग अनुभव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑब्लिगेशन मतलब हो जाता है आपका कि जब आपके लिए निश्चित हो, दिखाई जाए, कंपेल हो आप, मुझे जाना पड़ता है, मुझे देखना पड़ता है, मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे सीखना पड़ता है, आई हैव टू, तो हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, भाई बहुत ज़रूरी है, जॉब गेन करना है मुझे तो इंग्लिश ज़रूरी है। भाई 1 लाख आपके जॉब कितने होते हैं, 1 लाख गवर्नमेंट जॉब होते हैं, मान लीजिए एक साल में आपने मान लीजिए 5 लाख निकले जॉब, ठीक है, पर इसके कंपेरेटिवली 25 लाख जो जॉब हैं आपके वो कायम है प्राइवेट सेक्टर में है। आप अगर गवर्नमेंट में नहीं जाते हैं तो जो करोड़ विद्यार्थी या 50 लाख विद्यार्थी जो फाइट कर रहे हैं, वो उनको अपॉर्चुनिटी यहाँ खड़ी होती है 25 लाख में, ठीक है, और यहाँ पर आप योग्यता से जाएंगे, ये नहीं कि हमको रिजर्वेशन चाहिए और हमको, हम तो प्राइवेट में भी, हमें रिजर्वेशन चाहिए, प्राइवेट कंपनी मना कर देगी, भाई हम तो बंद कर देंगे, घाटे में थोड़ी रहेंगे, ऐसे एम्प्लॉय को हम क्यों लें, तो आपको इंग्लिश सीखना होगा, ये की है। ठीक है, आप कुछ पार्टियाँ डिमांड कर रही हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, पर मैं एक चीज़ बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर बनवाने के लिए 3 मजदूर लेने जाते हैं, है ना, वहाँ आप ये नहीं देखते हैं कि वो किस जाति या धर्म से है, वो देखते हैं काम कर पा रहा है, अगर बीच में कोई काम ढंग से नहीं करता तो उसको आप भगा देते हैं, तो भाई ये काम वाम नहीं कर रहा, चल हट यहाँ से, तो प्राइवेट कंपनी वही है। अगर आप काम नहीं करोगे, अगर आप में योग्यताएँ नहीं हैं, तो आप बाहर हो जाओगे, इसलिए आपको अपनी योग्यता विकसित करना पड़ेगा। इसलिए मेरा हर उस व्यक्ति से कहना है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, अपने आप को मजबूत करना है, तो सबसे पहले इंग्लिश सीखो, इंग्लिश और कंप्यूटर सीख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ये 2 लाइन है आपके लिए आगे दौड़ने के लिए, और फिर आप कॉम्पिटिशन कर सकते हैं और हक से नौकरी भी मांग सकते हैं, अगर कोई नहीं देगा तो उसको बोल सकते हैं कि अब मैं क्वालिटी रखता हूँ वो कि आप मुझे ये जॉब दीजिए, और देना पड़ेगा। इसलिए योग्यताओं का निर्धारण करिए आप, राजनीतिक पार्टियों के बवंडर से तो हम परेशान हो चुके हैं, राजनीतिक पार्टियों का कुछ नहीं कह सकते, कुछ बोलते हैं, करते कुछ है, होता कुछ है। तो मैं खुद भी बहुत त्रस्त और परेशान हूं इन पार्टियों से, इनका कोई कुछ नहीं किया जा सकता,
I have to learn English. English सीखना पड़ता है, ठीक है, मुझे दौड़ना पड़ता है. I have to run. हमें we have to work. हमें काम करना पड़ता है. तो मजबूरी जहाँ obligation होते हैं कि निश्चित है आपको करना है ना, तो वहाँ has to और have to का प्रयोग करते हैं. और present perfect tense के साथ आप जब use करते हैं, present perfect में आपका has और have का प्रयोग किया जाता है और verb third का प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है? has, have के साथ verb third का प्रयोग किया जाता है. verb third, जैसे I have done, he has taken, they have played, I have, मैं कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, उसने मूवी देख लिए है, है ना, मैंने गाना सुन लिया है, उसने इतिहास रच दिया है. तो इस तरह के जो काम जो डेफिनेटली पहले हो चुका है उसको दिखाने के लिए हम हैज हैव के साथ वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं. हैज किसके साथ लगेगा? ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे हम. ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ही, सी, इट और सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग करते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर भी हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं, ठीक है. जैसे आई हैव अ पेन, पोजेशन दिखाना हो तो डायरेक्ट एक ऑक्सिलरी वर्ब की तरह हम प्रयोग करते हैं. आई हैव अ पेन, सी हैज अ गन, आई हैव नथिंग, मेरे पास कछु नहीं है, सॉरी कुछ भी नहीं है. और वेरी फेमस डायलॉग ऑफ शक्ति कपूर फ्रॉम ए मूवी भोपाली स्टाइल, मेरे कने चक्कू है. आई हैव अ नाइफ, नाइफ, कनाइफ, के एन आई एफ ई, नाइफ में के साइलेंट है. आई हैव ए नाइफ. रिलेशंस दिखाना हो तो आई हैव फोर ब्रदर्स, मेरे चार भाई हैं, है ना. आई हैव टू सन, मेरे दो बेटे हैं. आई हैव सो मैनी गुड फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे अच्छे दोस्त हैं. इलनेस यानी बीमारी, ठीक है, इलनेस मीन्स बीमारी. मुझे सर दर्द है. आई हैव अ हेडेक. अब हेड एक कोल्ड, मुझे सर्दी है. अब ही हैज अ कोल्ड, है ना. ये हैज और हैव का यूजेज हुआ. उम्र दिखाने के लिए भी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं. आई हैव ए डॉटर हु इज 5 ईयर ओल्ड, ही हैज अ सन हु इज 10 ईयर्स ओल्ड. वैसे तो इसके लिए तो सीधा सेंटेंसेस बना देते हैं. अच्छा, आजकल जो यूजेस है, हैव ए कप ऑफ टी, है ना, हैव ए वॉक, एक्शन दिखाने के लिए बोला, हैव ए वॉक, हैव ए जंप, कूद जाओ, हैव ए रन, चलो दौड़ लगाएं, है ना, हैव ए डांस, चलो नाच लें. तो मूवमेंट शो करने के लिए भी हैव का प्रयोग करते हैं. और किसी को कुछ ऑफर करने के लिए, हैव ए कप ऑफ टी, हैव स्वीट्स, ना, ये के इसके लिए भी हम हैव का प्रयोग करते हैं. मॉडर्न इंग्लिश में खाने पीने के लिए यूज करते हैं. जैसे हैव अ ड्रिंक, ठीक, ड्रिंक हो जाए. भाई ड्रिंक है ना, एक होता है हार्ड ड्रिंक, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है ना. एक सॉफ्ट ड्रिंक होता है, एक हार्ड ड्रिंक होता है, एक कोल्ड ड्रिंक भी होता है, ठीक है ना, और एक हॉट ड्रिंक भी होता है. कॉफी चाय हॉट ड्रिंक में आते हैं, कोल्ड ड्रिंक में आपके कोको कोला आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में आपका थोड़े से कुछ टफ चीजें आती हैं, जैसे मोजोटोज वगैरह, और हार्ड ड्रिंक में आप समझ सकते हैं विस्की अल्कोहल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है. तो वहाँ हैव ए कप ऑफ टी, हैव ए, तो इनका प्रयोग भी हम करते हैं.
अब किसी को विश करना हो ना, विश करने के लिए भी हम हैव का हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ हो, हैव अ गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। तो ये चीजें हम किस लिए प्रयोग करते हैं? किसी को विश करने के लिए। ठीक है, ओके, धन्यवाद।